की एक फ्रेंड है सुनहर देवी, इसमें मनोहर देवी है। तो अनूप सिंह ने इसकी जो मित्रता है मनोहर देवी की असुरेंद्र से की, और कई दिनों के आने जाने से क्या हुआ कि इनकी कंसेंट से इन्होंने एक शारीरिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद में मनोहर देवी ने इससे 20 लाख रुपए की मांग की, अदरवाइज आपके खिलाफ 376 IPC का प्रचरण होगा। किससे की गई मांग है? सुरेंद्र सिंह से। तो उसके बाद में मनोहरी देवी का ये जो मामला सेटल करने के लिए 80,000 रुपये में इनका मामला सेटल हुआ, इसमें कल 50,000 रुपये अनूप खुद सुरेंद्र की दुकान पर पैसे लेने के लिए आया था, तो पुलिस पार्टी ने इसको पैसे के साथ ही काबू किया। तो ये ज्वेलर्स का काम करता है ये सुरेंद्र? सुरेंद्र हाँ, ज्वेलर्स है ये। तो कितने दिन से बताया जा रहा है इनका आपस में? ये कई दिनों से था इनका जो आपस में, इससे पहले ब्लैकमेल करने की कोशिश की उसने? हाँ, बस इससे है ना, अभी ब्लैकमेलिंग के हिसाब से इससे 20 लाख रुपए की मांग की थी और मामला 80,000 रुपए में इनका सेटल हुआ था। कोई वीडियो वगैरह भी बनाई गई? वीडियो तो जो हाँ जो रेडिंग पार्टी है उसे की थी। महिला को भी गिरफ्तार किया? ने कोई वीडियो बनाई ब्लैकमेल करने के लिए? सर इसका तो ऐसा मामला सही आया। कब से चल रहा है सर इनका? इनका कई दिनों से ऐसा है। महिला को भी देरी है, जो इसके पहले भी कोई है इसके रह चुकी है ऐसे मामलों में पहले? इसका मुझे तो नहीं पता, अभी अभी फर्स्ट अभी हुआ है, अरेस्ट हो चुके दोनों। हाँ जी, दोनों अरेस्ट हो चुके। क्या घटना क्या धारा में इसमें मुकदमा दर्ज इसमें कर दिया गया है? सेक्शन अंडर जो है ना 120B, 384 और 389 IPC। पैसे बरामद हो गए सर? हाँ, इसमें 50,000 रुपये जो पहले देने उठे थे वो रिकवर हो चुके हैं, 30,000 रुपये इन्होंने बाद में मांग की थी, तो 50,000 रुपये कंसी के साथ में ये अरेस्ट हो चुके हैं। कितने टाइम से चलता था? कब से ब्लैकमेल कर रही थी? ब्लैकमेल तो कई दिनों से ही कर रही इसको। दोनों मिले हुए थे सर ये? हाँ, ये दोनों अनूप और मनोहरी देवी आपस में मिले हुए। तो इनकी भी आपसी में रिश्तेदारी हो? इनके पारिवारिक संबंध थे आपस में। कब की घटना? क्या पारिवारिक? ये घटना तो कल की ही है ना। तो टारगेट करके किया गया इन दोनों ने मिले थे उसको? हाँ जी, हाँ जी।